रालोसपा के द्वारा बिहार में संगठन विस्तार के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी संगठन के विस्तार पर लगातार काम कर रही है। आज असम इकाई का पुनर्गठन किया गया और हजरत अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव फजल इमाम ने बताया कि बंगाल में भी इकाई का पुनर्गठन हुआ है और कुमुद चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बंगाल में 28 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है चुनाव को देखते हुए। तो आप तमाम लोगों को नए साल की शुभकामनाएं, चूंकि पार्टी की तरफ से पहली बार नए साल में पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम तमाम लोगों की तरफ से, पार्टी के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, आपके तमाम लोगों को, आपके श्रोताओं को, दर्शकों को शुभ नए साल की शुभकामनाएं। दरअसल हम लोगों ने पार्टी के असम इकाई और बंगाल इकाई का पुनर्गठन किया है। दोनों प्रदेशों में इस साल चुनाव होने वाले हैं। अप्रैल मई तक चुनाव संभवतः हो जाएगा। इस लिहाज से ये पार्टी का पुनर्गठन बहुत मायने रखता है। असम से के हजरत अली, जो वहाँ के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के से जुड़े हुए थे, वो आज हमारी पार्टी में शामिल हुए। असम के नौ ज़िलों में इन्होंने काम किया है। वहाँ ज़मीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। हजरत अली जो पूर्व सैनिक भी हैं, उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। गजाद अहमद साहब हैं, ये पार्टी के असम से वो भी आए हुए हैं। असम में हम लोगों ने पुनर्गठन किया हजरत अली साहब को, और बंगाल में कुमुद चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। जनवरी के थर्ड वीक में बंगाल में हम लोग बैठक करेंगे और फरवरी में असम में हम लोगों की बैठक होगी। बड़े फर्क है, और चुनावी तैयारियों की हम लोग वहाँ समीक्षा करेंगे और कितने सीटों पर वहाँ चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ मिलकर लड़ेंगे, इस पर बातचीत होगी।